नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्रंट एक्सल के बारे में। फ्रंट एक्सल किसको कहते हैं, क्या काम है इसका, कैसे ये काम करता है, उसके बारे में हम लोग इसको जानेंगे कि फ्रंट एक्सल लगा कहाँ होता है, ठीक है, और किन किन मुसीबतों का सामना करता है, क्या क्या हम लोग को फायदा कराता है, उन सब के लिए इसमें हम लोग चर्चा करेंगे और बताएंगे कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि हमारा जितना वीडियो मिल रहा है बहुत लोगों के पास नहीं जा रहा है क्योंकि वो नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं। आप लोग ऑन कर लीजिएगा, सारा वीडियो आप लोग के पास मिलेगा अपलोड होगा तो, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, ये हम हर बार आप लोग को बताते हैं कि मेहनत करते हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रंट एक्सल हमेशा सामने की ओर फिट किया जाता है या लगाया जाता है। सामने की ओर मतलब क्या, आगे का दोनों चक्का के बीच वाला जो हिस्सा होता है, एक चक्का यहाँ एक चक्का यहाँ, मान लीजिए ये एक चक्का है और एक चक्का यहाँ है, तो ये दोनों को जोड़ता है, ठीक है, और जोड़ के यही एक्सल ही के अंदर से काम करता है और यही आपका चक्का को घुमाने का काम करता है एक्सल ही, ठीक है। तो ये आगे वाले चक्के में लगा रहता है क्योंकि फ्रंट एक्सल लिखा, फ्रंट मतलब आगे और एक्सल लगा हुआ है, यानी कि अगला चक्का का फ्रंट एक्सल है, ठीक है। दूसरा, फ्रंट एक्सल गाड़ी के वजन उठाए रखता है, मतलब ये एक्सल अगर लगा हुआ है तो यहाँ पे गाड़ी का वजन उठाए रहेगा, इसलिए कि आपका जो चक्का है वो चक्का इसी पर आता है, अगर ये जुड़ा हुआ है, अगर नहीं जुड़ा रहेगा तो वो नीचे दब जाएगा शॉकर से, और ये जुड़ा रहने के कारण ही वो गाड़ी का वजन भी उठाता है, ठीक है। तो ये दो चीज आप समझ गए कि वजन उठाए रखता है। तीसरा, एक्सेल गाड़ी के पहियों को घुमाने में हमेशा अपना कार्य करता है, यही जो है गाड़ी के चक्के को घुमाने का कार्य करता है। ये दोनों चक्के में लगा हुआ रहता है, एक रड की तरह होता है और एक इधर एक चक्का में, एक इधर चक्का में, वहां किनारे किनारे घाट बना होता है, दांत उसका बना होता है, जिस कारण ये इसमें एडजस्ट होता है, जिस कारण जब हम लोग एक्सेलेरेटर देते हैं और टॉर्क बढ़ाते हैं गियर चेंज करके, तो ये एक्सल उतना ही तेजी में घूमता है, तभी ये गाड़ी का चक्का जो है वो घूमने का कार्य करता है और घूमता है और हम लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जहां जाना है वहां पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये एक्सल, इसी को एक्सल कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही रहता है लंबा लंबा, ये आप देख लिए। अब इस फोटो में देखिए, देखिए चक्का में कहां लगा हुआ है, दिख रहा है चक्का में कहां लगा हुआ है, तो यही लगा हुआ है चक्का में, ये एक तरफ का है और वो दूसरी तरफ ऐसे ही लगा रहेगा। ये आपका क्या होता है, कभी कभी रास्ते में ये देखिए फोटो हटाते हैं, तो ये क्या होता है कि अभी जब आप खराब रास्तों में अगर तेजी में वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो ये अक्सर क्या होता है कि चक्का से स्लिप करके बाहर निकल भी जाता है और देन आपकी गाड़ी वहीं पे रुक जाएगी, आपकी गाड़ी फिर बढ़ेगी नहीं, पूरा प्रोसेस होगा, पूरा काम होगा, लेकिन गाड़ी आपका बढ़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो है अगर यहां से हम निकाल दें इसको, चक्के से निकाल के और नीचे गिरा दें, ये गिर गया दोनों चक्का से या एक ही चक्का से गिर गया यहां से, तो ये गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, हल्का हल्का ये बढ़ेगा भी, ये आपका चक्का जो है ये टेढ़ा हो जाएगा, ये तो सीधा होगा, स्टीयरिंग से कंट्रोल में रहेगा, लेकिन ये वाला घूम जाएगा, आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यही होता है कि वो हमेशा अपना कार्य करते रहता है। अगला, अचानक से ब्रेक लगाने पर, लगाने के कारण ये आने वाले झटकों को सहन करता है, जैसे आप स्पीड में जा रहे हैं और ब्रेक लगा रहे हैं, तो ये क्या करता है कि यही जो है ये चक्का में जब ब्रेक लगेगा तो ये एक्सेल जो है वो धीरे धीरे हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मतलब बढ़ने नहीं देगा, वो घूमना रोक देगा, क्योंकि उसमें दांत बना होता है, ये एक्सेल मान लीजिए ये मोटा जो है यहाँ किनारे किनारे दांत बना होगा, ठीक है, दोनों साइड, अगर ब्रेक मार देगा इस चक्का में ये साइड से फिट रहता है दांत वाले में, तो ये क्या होगा कि ये जब ब्रेक मारेगा तो ये दांत वाला चीज रुक जाता है, जिस कारण झटका जो मारेगा ना वो झटका नहीं होने देता है गाड़ी में इसके कारण, ठीक है। तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे, झटका सहन करता है और इसमें क्षमता है। गाड़ी के सड़क पर चलाते समय आने वाले खराब
रास्तों में मिलने वाली झटके को आसानी से स्प्रिंग द्वारा बचाता है। इस पे स्प्रिंग लगा होता है बीच में, देखिए फोटो यहाँ पे आप दिख रहा होगा, बीच में जो रबड़ लगा हुआ उसके अंदर स्प्रिंग टाइप का लगा होता है जो स्प्रिंग ये बचाता है। ठीक है, फोटो देखिए, झटके को स्प्रिंग से यही बचाता है झटका को। ठीक है, और हम लोगों को गाड़ी झटका महसूस नहीं होने देता है, रुक जाता है। कभी कभी बहुत गाड़ियों में पुरानी हो जाती है तो झटका महसूस होता है, इसलिए कि उसका एक्सेल वगैरह थोड़ा अब तो खराब होगा ही, वो जीवन भर थोड़ी चलेगा। अगर आप चेंज नहीं कराए हैं तो वो ऐसा होते रहता है। ठीक है, तो इसलिए सर्विसिंग आप कराते रहिए, चेक कराते रहिए सब कुछ। कभी कभी स्टेयरिंग भी देखिएगा ऐसे धक धक करने लगता है, वो सर्विसिंग नहीं कराने की वजह से आप उसका मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से वो होता है। जो ब्रेक मारने पे स्टेयरिंग भी वाइब्रेट होता है, जो पिछले वीडियो में स्टेयरिंग वाला बताए थे उसमें वो चीज भी होता है। ठीक है, आगे गाड़ी का लेवल हमेशा एक समान रखता है। लेवल मतलब क्या, गाड़ी जिस चाल में चल रहे हैं उसी चाल में हमेशा रखेगा आपको, ना इधर ना उधर। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप कम कर दे, अपने आप ज्यादा कर दे, ऐसा नहीं होगा। आप जितना लेवल में रख के चलाइएगा वो एक लेवल में मेंटेन करेगा और बहुत सारे चीजों से वो फायदा कराएगा, जैसे झटका महसूस नहीं होने देगा और अपना पहिया को चलाने का जो काम है वो करेगा, वजन उठाए रखने का काम करेगा और आगे में ये लगा होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो इतना ही समझ गया कि वो लेवल जो है अपना हमेशा एक समान रखता है, बदलता नहीं है लेवल, ये चीज आप समझिए। अगला, फ्रंट व्हील ड्राइव में इसी एक्सल के द्वारा गाड़ी लेफ्ट और राइट घूमने की शक्ति मिलती है। ठीक है, तो जैसा हम लोग एक्सल में बीच में स्प्रिंग जो देखे थे वो रबड़ का अंदर में स्प्रिंग होगा, होगा क्या, अंदर स्प्रिंग रहता है जो कवर किया हुआ है, वो कवर किया रहता है कि धूल मिट्टी, क्योंकि वहां पे ग्रीष्मो भी लगा होता है तो धूल मिट्टी उसमें सटे नहीं, जिस कारण से वो पैक करके रखा जाता है। तो होता क्या है कि जब फ्रंट व्हील ड्राइव जो अगला चक्का हम लोग का घूमता है, ठीक है, तो वो इसी एक्सल द्वारा गाड़ी में लेफ्ट राइट जैसे हम लोग स्टेयरिंग काटेंगे तो इधर घूमेगा। जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का एक्सल लगा हुआ है और हम लोग को राइट घुमाना है, तो ये चक्का ऐसे हुआ इधर से और ये चक्का ऐसे हो, ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये आप इधर घुमाइएगा तो ये भी चक्का उसी दिशा में घूमेगा, अगर इधर घुमाइएगा तो ये चक्का इधर में हो जाएगा और यही आपका स्प्रिंग जो बीच में ये जो स्प्रिंग यहाँ पे लगा हुआ है ये इधर में बढ़ेगा फिर उधर से बढ़ेगा, जिधर आप घुमाना चाहते हैं उधर घुमाइएगा। और लेफ्ट राइट करने में जैसे दाहिने जाना है तो दाहिने, बाएं जाना है तो बाएं, वो सारा चीज यही स्प्रिंग के माध्यम से इधर उधर होता है, यही एक्सेल से होता है, जिस कारण से आप दाहिने बढ़ाइए या बाएं घुमाइए, जिधर आपको घुमाना है उसका शक्ति मिलता है, उसमें ताकत मिलता है, टॉर्क मिलता है कि आपकी गाड़ी उधर राइट दिशा में घूमेगी कि लेफ्ट दिशा में घूमेगी, ये आप जिधर घुमाइएगा उधर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जान गए कि एक्सेल जो है फ्रंट एक्सेल का काम क्या है, फिगर देख लिए कि एक्सेल होता क्या है। अगर बोलेगा कि गाड़ी के 10 पार्ट्स का नाम बताएं बाहरी पार्ट्स का, तो आप एक्सेल भी शामिल कर सकते हो उसमें जैसे अदर पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसका यूज पूछेगा कि एक्सेल का यूज बताइए, या पूछ देगा कि एक्सेल कहाँ लगा हुआ है, तो आप चक्का के नीचे जाइए बताइए यही चक्का के दोनों चक्का में वो जोड़ा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है एक्सेल, इसका काम क्या है, तो इसका काम आपको दिख रहा होगा क्या क्या काम होता है, ये काम आप आसानी से बता सकते हैं। अगर ये बोलेगा कि एक्सेल खराब हो जाए तो क्या होगा, एक्सेल खराब हो जाएगा तो बहुत सारा कंडीशन है, आपको लेफ्ट राइट करने में अगर दाहिने बाएं घुमाना है उसमें दिक्कत आने लगेगा, आपको झटका महसूस होगा, और कभी कभी तो रास्ते में अगर आप जा रहे हैं तो वो रास्ते में क्या होगा कि अगर आपका एक्सेल फंस गया, खराब हो गया, तो फिर आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो मुख्य कारण ये सब है। ठीक है, तो ये सब को आराम से निश्चिंत से बढ़िया से पढ़िए, समझिए कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है जैसे बाकी वीडियो में हम लोग बताए हैं। तो आज का वीडियो हम लोग का ये सब यही समाप्त होता है, आप लोग जुड़िए हमारे चैनल से, जुड़ रहे हैं अच्छी बात है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार पुलिस इंटरव्यू का तैयारी ऐसे ही करते रहिए, और कराया जाएगा और वीडियो अपलोड किया जाएगा, बहुत सारा हो गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से चेक कर सकते हैं कि बहुत सारा वीडियो हो गया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, सारे वीडियो आपको मिलता रहेगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप लोग।